फलता। अब तो देखो हमारा तो काम है कर्म करना, आगे तो ईश्वर के भरोसे है। सोशल मीडिया से दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के अंदर ठहराव नहीं, भटका हुआ है, वो भटकाते रहते हैं आपको, कभी ये देखो कभी ये देखो, अनर्गल चीजें भी आ जाती है। सर अरविंद चरण है, ठीक है चलो सर, सामान्य जो तैयारी होती है 6-7 घंटे अक्सर ज्यादातर इकोनॉमी सर्वे है, करंट जीके है, ठीक है वो बेस के आधार पर जो प्रीलिम्स का एक लिमिटेड मैटर होता है उस आधार पे है। नहीं मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा ग्रेजुएशन इसी साल हुई है। तो किसी सीनियर से बात हुआ कि किस तरह का? हाँ जो हमारे पड़ोसी है और वगैरह, मेरी फैमिली में भी काफ़ी सारे हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, तो उन्होंने क्या बताया किस तरह का? यही उन्होंने जो बेस है जो वो दे रहे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेंस लिख के बैठे हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू कॉल हुआ है जिनका, काफ़ी सेलेक्टेड भी है, उन्होंने बताया उस आधार पर दे रहे हैं सर। तो क्या सफलता का मूल सफलता? अब तो देखो हमारा तो काम है कर्म करना, आगे तो ईश्वर के भरोसे है। पूरन सिंह। पूरन सिंह कहाँ से आप? परमेश है, यहाँ लोकल गाँव। राजस्थान का सबसे टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो किस तरह तैयारी की और किन चीज़ों पे फोकस करते हैं? मैंने तो क्या प्रीवियस के नोट्स वगैरह वही पढ़े थे इसमें बोर्ड के, एंड थोड़ा बहुत जीके वगैरह देख लिया था, क्या जीके मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह क्या मेरे बीएड वगैरह में हो चुके थे, उसी के बेस पर रेगुलर तैयारी चल रही है अभी। वही सर, कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? हाँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो किसी सीनियर से बात हुआ कि किस तरह का पैटर्न होता है क्वेश्चन? हाँ मेरे भाई साहब है बड़े, तो उनकी क्या रेगुलर तैयारी चल रही है, उनके जेआरएफ वगैरह हो चुका है, उन्होंने मुझे गाइड किया है, तो उन्हीं के बेस पर तो तैयारी वगैरह हो गई मेरी। क्या बताया उन्होंने किस तरह का क्वेश्चन? क्वेश्चन पे उन्होंने क्या एक बार फिर दे दिया, अटेम्प्ट उनका क्लियर हो चुका था, तो उन्होंने बताया मेरी स्ट्रेटजी पूरी बताई थी कि मतलब एकदम जीके को स्ट्रॉन्ग करो थोड़ा, एंड थोड़े रीजनिंग वगैरह देख लो उसी के बेस पर। करंट अफेयर राजस्थान सरकार की योजनाएं पढ़ी आपने? हाँ बिल्कुल। तो कितने कितने घंटे अभी बढ़ रहे हैं? 8 से 9 घंटे। क्या मैं रेगुलर लाइब्रेरी जाता हूँ ना, तो मेरा एक तो घर से लाइब्रेरी सीधा वही डाउन होता है। आपके हिसाब से सफलता का मूल मंत्र क्या रहेगा? सफलता का मूल मंत्र यही है कि बस रेगुलेटरी रखो, और कुछ नहीं, रेगुलेटरी रखो, बीच में गैप वगैरह तो लो ही मत, भले ही 2 घंटे हो ना लेकिन पढ़ो रोज, बस मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की है। नारायण सिंह। कहाँ से? मैं सर देदरियार रहने वाला हूँ, गडरा रोड तहसील। जी अब राजस्थान का सबसे टफेस्ट एग्जाम देने? बिल्कुल बिल्कुल सर। किस तरह की तैयारी की, क्या पढ़ा? नहीं मैं तो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ, और तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा। काफ़ी ठीक है, अच्छी व्यवस्था की है गवर्नमेंट, इस बार गृह जिले में सेंटर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये तो आर्थिक समीक्षा पे ज़्यादा जोर रहेगा, करंट पे ज़्यादा जोर रहता है हर बार, और नई जो स्कीम चल रही है इसके ऊपर। जी तो पहला अटेम्प्ट है इससे पहले? नहीं मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, दो बार मैं आरएस मेंस दे चुका हूं। अच्छा। जी तो पैटर्न आपको पता है किस तरह? पैटर्न पता है, बिल्कुल पता है। तो इस बार कितना देर तक पढ़े हैं कंटिन्यू आप? मैं पिछले 3 महीने से राजकीय सेवा में हूं, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, ठीक है चल रहा है। तो मतलब कितने घंटे फिर फोकस रहता है? 3-4 घंटे तो कम से कम निकलने पड़ेंगे आपको। आपके हिसाब से सफलता का मूल मंत्र क्या रहेगा? लगातार प्रयास, सतत प्रयास, सकारात्मक सोच। सोशल मीडिया से दूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के अंदर ठहराव नहीं, भटका हुआ है, वो भटकाते रहते हैं आपको, कभी ये देखो कभी ये देखो, अनर्गल चीज़ें भी आ जाती हैं। सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है, आप मेहनत करते रहें और अपना काम में लगे रहें। तो आपने सेल्फ स्टडी किया कहीं कोचिंग? नहीं सेल्फ किया मैंने, सेल्फ किया। जी यूथ से ये कहने चाहते हैं कि मोह माया से दूर रहें, सकारात्मक सोच रखें, माता पिता और गुरुजनों के प्रति आस्था रखें, और बढ़िया ढंग से मेहनत करें, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।